dear students in this module we are going to talk about one of the important aspects of our social interactional process that is competition and conflict you would be perhaps you would be surprised to see that when we talk about the social interaction we generally talk about the cooperation we generally talk about an exchange relationship however when it comes to these cooperations and exchange relationships we are verbal we are intentionally or in intentionally unintentionally enter into a relationship of competition and conflict as well so this is also an important aspect to understand the human social interaction competition and conflict are two types of social interaction that involve rivalry tension and opposition between individuals or groups सोशल इंट्रैक्शनल प्रोसेस में कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट उतना ही अहम होता है जितना कि कॉपरेशन और एक्सचेंज रिलेशनशिप होता है हम किसी भी सोशल इंस्टीट्यूशन को देखें माशरे के अंदर किसी भी ग्रुप एक्टिविटी को देखें तो हमें लामोला हर जगह पे कंपटीशन नज़र आता है और रेयरली ऐसे हो, होता है कि वो कंपटीशन लेटर ऑन सिचुएशंस में भी कन्वर्ट हो जाता है तो कंपटीशन कैन बी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव एंड कैन लीड टू इनोवेशन प्रोग्रेस और सोशल इनिक्वालिटी इफ़ इट इज़ डिस्ट्रक्टिव सो कॉन्फ्लिक्ट कैन अराइज़ फ्रॉम डिफरेंसेस इन वैल्यूज इंटरेस्ट और पावर एंड कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन सोशल रिलेशनशिप्स एंड सोशल चेंज तो जब कम्पिटिशन अराइज होता है तो इसके नतीजे में मुख्तलिफ वैल्यूज़ को हम देखते हैं कि डिफरेंट ग्रुप जो हैं दे ढेर टू डिफरेंट वैल्यूज़ और उनके इस डिफ्रेंसिज़ ऑफ़ वैल्यू सिस्टम की वजह से सिचुएशन आरइज होती हैं मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि एजुकेशनल सिस्टम जो है पाकिस्तान में ख़ास तौर पर एजुकेशनल सिस्टम जो है वो कॉम्पटिशन बेस्ड है एज़ यू नो कि पोजिशनस होती हैं फ़र्स्ट पोजिशन सेकेंड पोजिशन थर्ड पोज़िशन तो ये सारी पोजिशनस जो हैं बड़ी लिमिटेड होती हैं तो कंपटीशन जो होता है वो अमूमन लिमिटेड रिसोर्स के ऊपर होता है क्योंकि रिसोर्स इस दुनिया में अनलिमिटेड नहीं हैं तो हमें उन रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए एक दूसरे के साथ कम्पीट करना पड़ता है और बेस्ट फिट जो होते हैं वो कंपटीशन के अंदर वो रिलेटिवली एडवानज़स पोजीशन के ऊपर होते हैं और बाक़ियों को जो है वो डिसएडवांटेज फेस करना पड़ता है और इसी वजह से माशरों के अंदर सोशल इनक्वालिटी पैदा होती है जब ये इनक्वालिटी इस हद तक आ, होती है कि आपका वैल्यू सिस्टम इट्सल्फ़ चेंज हो जाता है और दो डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट वैल्यू सिस्टम को एडेयर करते हैं तो फिर वो सिचुएशन कॉन्फ्लिक्ट की तरफ चली जाती है मिसाल के तौर पे हम देखते हैं जैसे पाकिस्तान में सेक्टेरियन वायलेंस या सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसे सिचुएशन होती है जिसमें डिफरेंट सेक्ट के लोग जो हैं वो डिफरेंट वैल्यू सिस्टम को देख रहे होते हैं या डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ के ऊपर बिलीव कर रहे होते हैं तो आइडियोलॉजिकल बिलीफ जो हैं जब एक ख़ास कंपिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर आके एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में आते हैं तो फिर सेक्टेरियन वायलेंस अकर होती है इसी तरह से हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के सिस्टम को देखते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं ये भी एक कम्पटिव इन्वामेंट के अंदर होती हैं वोटर अपने वोट बैंक को इंक्रीज़ करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटीज़ अडाप्ट इन स्ट्रैटीज़ को जब वो मैथ स्केल के ऊपर डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ एक्सप्लॉइट uh, करने की कोशिश करते हैं और अल्टीमेटली अपने गोल को जो है मद्देनज़र रखती हैं तो बाज़ात ये फिर कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन के अंदर भी चली जाती हैं तो अगेन इट्स अ फूड फॉर थॉट फॉर यू दैट बाय एनालाइजिंग द रोल ऑफ कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स एंड डिफरेंट सोशल मूवमेंट्स यू कैन बेटर अंडरस्टैंड दैट हाउ डिफरेंट Uh, competitive and conflicting situations arise within a society.